चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की हिदायत पर कुरंगी टाउन के तहत बरसाती सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार किए गए रेन इमरजेंसी हंगामी प्लान पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। मिसाली इंतजाम की बदौलत कुरंगी टाउन में बारिश के बावजूद किसी भी इलाके में दौरान बरसात आवाम को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। बरसाती पानी के बरवक्त निकासी और बिलातातुल बल्दियाती सहूलियात को फराहम को यकीनी बनाया गया। नालों में बरसाती पानी की वजह से आने वाली रुकावटों के खात्मे के लिए चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की हिदायत पर बरसाती नालों की सफाई का हंगामी बुनियादों पर आगाज कर दिया। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख और कुरंगी टाउन के महकमा जाती अफसरान के हमरा दौरान बरसात रात गए तक कुरंगी टाउन का तफसीली दौरा करके बरसाती पानी की निकासी के हवाले से जारी इंतजाम का मुआयना किया और मुख्तलिफ शाहराहों और बरसाती नालों का मुआयना करके अपनी निगरानी में बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इस मौके पर चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने मुतालिक अफसरान को हिदायत की है कि हंगामी बुनियादों पर बरसाती नालों से रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाया जाए और मजीद मुतवक्के बरसात के पेश नजर हंगामी प्लान तरतीब दिया जाए। इस मौके पर महकमा सैनिटेशन को हिदायत की कि दौरान बरसात इलाकाई सतह पर सफाई सुथराई बरसाती पानी की निकासी के साथ साथ कचरा कुंडियों से कचरे की बरवक्त मुंतकली यकीनी बनाई जाए। उन्होंने महकमा पार्क्स को भी हिदायत की है कि तेज हवा और बारिश के दौरान दरख्तों के गिरने के वाकयात पर फौरी कार्रवाई करते हुए अवामी शिकायत का अजाला मुमकिन बनाए। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तमाम महकमा जाती सरबराहान और अमले को हिदायत की है कि दौरान बरसात तमाम तर छुट्टियाँ मनसूख हैं। अवामी खदमात के हवाले से तमाम महकमों के अफसरान और मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहे और दौरान बरसात अवामी खदमात के हवाले से फराइज में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद की अमली कोशिशों और अपनी जेर निगरानी उमूर की अंजामदही की बदौलत तेज बरसात के बाद गुलशन इकबाल टाउन को तकरीबन क्लियर कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज बरसात के बाद गुलशन इकबाल टाउन में निकासी आब के लिए अफसरान और अमले के साथ चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद बजाते खुद नीपा समेत मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद रहे और अपनी निगरानी में निकासी आब के उमूर सर अंजाम दिलवाए, जिसकी बदौलत रात गए सड़कों को मोटरेबल बना दिया गया है। और चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद ने निकासी आब के उमूर की अंजामदही के दौरान कहा कि गुलशन इकबाल टाउन को तकरीबन क्लियर कर दिया गया है। जहां पानी जमा है वहां मशीनरी की मदद से तेजी से निकासी आब के उमूर सर अंजाम दिलवाए जा रहे हैं। अफसरान और अमले ने शबरोज खिदमत सर अंजाम देकर निकासी आब के उमूर सर अंजाम दिए और अब भी अमला मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। पहले ही बरसात की काफी तेज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें साबित किया है कि आवाम के मसाइल के हल के लिए कोई संजीदा है। उन्होंने कहा कि जहाँ पानी जमा होने के वाकयात रूनुमा हुए हैं वहाँ आइंदा बरसात से कबल इंतजाम यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने को हिदायत की है कि जिन जगहों पर अभी भी निकासी आब की जरूरत है वहां तेजी से काम सर अंजाम देकर काम को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि दस्तयाब वसाइल में निकासी आब के लिए जितने बेहतरीन इंतजाम कर सकते थे उसे सर अंजाम दिया गया है, जिसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन इकबाल टाउन रवां दवां है।
कंबर से अल्ताफ हुसैन बरोई की रिपोर्ट। पीपी मुखालफीन को शिकस्त के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। सरदार खान चांडियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सूबाई असेंबली का हल्का PS 16 पर नामजद MPA नवाब सरदार खान चांडियो की जानिब से कंबर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला तेजी से जारी है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रईस अफाक करीम चांडियो की जानिब से PP के नामजद MPA के एजाज में एक जलसा कंबर के मारूफ इलाके रईस अब्दुल करीम चांडियो मोहल्ले में मुनक्कद किया गया, जिसमें PP के नामजद MPA नवाब सरदार खान चांडियो समेत नवाबजादा रेहान खान चांडियो, नवाबजादा लश्कर खान चांडियो, लियाकत अली गोपान, पनल सोमरो और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि PP मुखालफीन को शिकस्त के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि PP ने हमेशा पाकिस्तान के गरीब और मुतवस्त तबके की तर्जुमानी की है और रोटी कपड़ा और मकान के नारों को अमली जामा पहना कर दिखाया है। उन्होंने मजीद कहा कि PP हुकूमत ने हमेशा बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया और दीगर पार्टियों की तरह किसी को बेरोजगार नहीं किया। 8 फरवरी को मुल्क की आवाम बड़ी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवा के ये साबित करेंगे कि PP एक वाहिद अवामी जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल कोरंगी के सदर तनवीर चौधरी का कहना था मेयर कराची और कोरंगी टाउन के चेयरमैन की बारिश में कारकर्दगी सबके सामने आ गई है। 15 साल की कारकर्दगी एक रात की बारिश में ही नजर आ गई। आवाम के मसाइल से फोटो सेशन और बातों तक महदूद है। कोरंगी के तमाम मेन रोड पर 2 से 3 फीट पानी खड़ा है। कोरंगी को लावारिस छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे तकरीबन 3 फीट पानी खड़ा हुआ है, 2 फीट 3 फीट किसी जगह पे 2 फीट पानी है, किसी जगह पे 3 फीट पानी है। ये टाउन चेयरमैन की खुद की यूसी है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, ये बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं इनकी, सिर्फ फोटो की हद तक है। ये ना अहल टाउन चेयरमैन है और इनकी काबीना है, ये सिर्फ पैदागिरी के धंधे में लगे हुए हैं। इन्होंने एक नाले की सफाई नहीं की, इनको पता था कि बारिश का मौसम है, बारिश का स्मेल है, इनको चाहिए था कि नालों की सफाई करते, लेकिन ये ना अहल इंतजामिया ने नालों की सफाई नहीं की। इंशाअल्लाह ताला अवाम इनको वोटों के जरिए 8 फरवरी को मुस्तर्द कर देगी। ये कभी जिंदगी में भी काम नहीं करेंगे, ये चोर है, ये सिर्फ पैदागिरी करने के लिए आया है। 40 सालों से इनकी हुकूमत है, 15 साल से मुसलसल इनका CM सिंह है, सारे इदारे इनके पास है, वल्दियात इनके पास है। और एंड में ये देखें पानी, देखें यहाँ पे आए, ये देखें पानी, ये पूरा भरा हुआ है। कोई काम नहीं करना, इस तरह जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा बारिश आता है तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। ये वाटर बोर्ड की, ये नायल खाते कुरंगी ने वाटर बोर्ड के अपने को लगाया, यहाँ से पानी भर रहे हैं और नाले में डाल रहे हैं। नाला ऑलरेडी भरा हुआ है, नाले फुल है, क्योंकि नालों की सफाई नहीं की। उसका फंड जो है ये अपने इलेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्शन में अपना फंड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पीछे वाटर बोर्ड की आपको गाड़ी नजर आ रही है, ये यहाँ से पानी भर रहे हैं, नाले में डाल रहे हैं, वापसी पानी यहाँ पे आ रहा है। ये सिर्फ दिखा रहे हैं शॉपर के अंदर भरने का तरीका सिखा रहे हैं, यहाँ से पानी। ये नाअहल है, आवाम को चाहिए कि ऐसे नाअहलों से जान छुड़ाए। शुक्रिया।
सीईओ वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद और सीईओ वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान ने यौम कश्मीर के मौके पर अपने जारी करदा एक पैगाम में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्मो बर्बरियत की सख्त अल्फाजों में मुजम्मत और कश्मीरी आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर के मजलूम आवाम के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाने का हमारा असल मकसद उनकी कुर्बानियों को पूरी दुनिया में उजागर करना है और 5 फरवरी यौम कश्मीर पर भारतीय जुल्म और इस्तबदाद और हठधर्मी के खिलाफ कश्मीरियों की जानिब से अपनी आज़ादी के लिए की गई लाजवाब जिद्दोजहद की हिमायत में तजदीद-ए-अहद का दिन है।